आईपीओ मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक के बाद एक कई कंपनियां अब मार्केट में लिस्ट हो रही हैं। के फिनटेक कंपनी का आईपीओ इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। 19 दिसंबर से कंपनी का आईपीओ खुल चुका है, आज इसका दूसरा दिन है और 21 दिसंबर तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ के जरिए कंपनी का लक्ष्य है कि वो मार्केट से कुल 1500 करोड़ रुपए इकट्ठा करे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 347 से 366 के बीच रखा गया है। एक लॉट में 40 शेयर्स हैं, यानी एक लॉट के लिए आपको 14,640 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को 1,90,320 रुपए का निवेश करना होगा। इशू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB, 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII और 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। आईपीओ की सफलता के बाद शेयर्स का अलॉटमेंट 26 दिसंबर को फाइनल होगा और लिस्टिंग 29 दिसंबर को है। इशू के लिए रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी के आईपीओ के पहले दिन की बात करें तो रिस्पांस फीका ही देखने को मिला। के फिनटेक का आईपीओ पहले दिन 55% सब्सक्राइब हुआ। हालांकि ज्यादातर आईपीओज में आखिरी दिन ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। पहले दिन QIB का हिस्सा 91% भर गया, रिटेल का 26% और NII का 0.01% ही हो पाया। केफिन टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल स्तर की फाइनेंशियल सेवा प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये म्यूचुअल फंड्स के साथ और मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग की प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें इन्वेस्टर सोल्यूशन, इश्यूअर सोल्यूशन और ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज हैं। कंपनी की शुरुआत ये तो साल 2017 में हुई थी, लेकिन 5 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल कैटेगरी में अपनी जगह बना चुकी है। साल 2019 में 8,96,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ। साल 2020 में 4,52,000 रुपए का मुनाफा रहा। साल 2021 में 64 करोड़ रुपए का घाटा रहा और साल 2022 में 148.55 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी के खाते में आया। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना वाले साल को छोड़कर कंपनी ने कुछ न कुछ मुनाफा कमाया ही है। खैर, जिस बिजनेस में कंपनी है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़िया है। इन दिनों म्यूचुअल फंड्स और शेयर ट्रेडिंग में तेज इजाफा देखा गया है, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स लंबी अवधि के लिए इसमें पैसा लगाने की सलाह भी दे रहे हैं। हालांकि केफिन आईपीओ को लेकर मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जैसे चोलामंडलम सिक्योरिटीज ने कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है, तो वहीं घरेलू ब्रोकरेज फर्म रिलायंस सिक्योरिटीज के मुताबिक केफिन के मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से इशू फुली प्राइज्ड दिख रहा है, यानी कि इसमें निवेश पर लिस्टिंग गेन के चांस नहीं दिख रहे हैं। ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में केफिन टेक के शेयर 8 रुपए के GMP पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि बाजार के जानकारों के मुताबिक ग्रे मार्केट से मिले संकेतों की बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स और वित्तीय सेहत के आधार पर ही निवेश से जुड़ा फैसला लेना चाहिए। हमारी भी राय यही है कि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी को लेकर रिसर्च कर ले और मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह आप जरूर ले ले। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।